हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ब्लाउज। ये ब्लाउज बनेगा 36 इंची सीना का। इसका सीना होगा 36 इंची, सीना होगा 36 इंची, कमर होगा 31 इंची और ब्लाउज का लंबाई होगा 13 इंची। तो ऐसा करके हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये डबल फोल्ड है, इसको हम ऐसा करके फोल्ड कर दिए हुए हैं और इसको हम बनाएंगे थोड़ा अलग तरीका से, लेकिन ब्लाउज बनेगा वही परफेक्ट। अब हम यहाँ से 15 इंची पर इसका लंबाई देखेंगे लेंगे। 13 इंची लंबा बनेगा, लेकिन हम इसका 15 इंची पर लेंगे। बाद में बड़ा छोटा होगा तो हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी 15 इंची लेंगे। इस निशान को यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, हम गला बनाएंगे 2 इंची पर और यहाँ से हम तीरा लेंगे इसका यहाँ से 3 इंची पर। यहाँ से हम ब्लाउज का काखी बोलते हैं इसको, या आर्म होल भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ से हम 5 इंची पर लेंगे, इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ये बैक ब्लाउज बन रहा है। अब यहाँ से हम लेंगे, ये देखिए, तो ये देखिए, यहाँ से हम लेंगे 9 इंची पर निशान। यहाँ पर हम लेंगे 9 इंची। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 2 इंची सिलाई मार्जिन। आप 2 इंची भी ले सकते हैं, 1.5 इंची भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंची ले रही हूँ। 1 इंची भी लेगा तो ये तो अंदर दब जाएगा। अब यहाँ से हम 1 इंची का गोलाई देंगे। ये पीछे का है तो हम 1 इंची पर ही गुलाई देंगे परफेक्ट ब्लाउज के लिए। इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे। ये ब्लाउज का गला बनाएंगे हम यहाँ से 8.5 इंची पर। इसको हम यहाँ से ऐसे करके गोल बना देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी 2 इंची। अब हम इस पर इसी को कटिंग कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके गोलाई बनाएंगे। देखिए, ये पीछे का पल्ला बन गया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे, ताकि ये टेकिंग देते वक्त कोई दिक्कत ना होगी। यहाँ से आप 4 इंची का उठाव दे सकते हैं यहाँ तक। ये देखिए, ये गल्ला कुछ इस तरह से बन के आएगा। इसमें डोरी नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ये बिना डोरी का ही बनेगा। अब हम इसको साइड करूंगी और ये देखिए, ये जो पल्ला हम कटिंग किए हैं इसी को हम यहाँ से बिछाएंगे। इसी पल्ला को हम यहाँ से लेंगे और इधर से बैठाएंगे। ये देखिए, इसी को सेम उगा लेंगे। अब इस पर हम बनाएंगे। ये आगे का पल्ला है तो हम 1 इंची बड़ा लेंगे। इसको अब हम हटा देंगे। यहाँ से हम गला देखेंगे तो इंची पर यहाँ पर आ रहा है, तो आगे का पल्ला हम 2.25 इंची पर लगाएंगे निशान। इसको हटा देंगे। ये देखिए, यहाँ से हम गला लेंगे 2.25 इंची पर। अब इसका गला का गहराई देंगे 6 इंची पर। इधर से भी देख लेंगे
ये देखिए 2.25 इंची है, इसी को हम इसमें गोल कर देंगे। अब यहाँ से हम तीरा लेंगे 3 इंची। अब इसको हम यहाँ से 5 इंची पर इसका आर्म होल का गहराई देंगे। ये आगे का पल्ला है तो 1/2 इंची का गोलाई देंगे। ऐसे ब्लाउज बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, कुछ सोचने समझने की जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही कटिंग करें। अब यहाँ से हम लेंगे 9 इंची, नीचे भी लेंगे 9 इंची। देखिए पीछे पल्ले में हमने लिया है 2 इंची का सिलाई मार्जिन, तो ये 2 इंची पर है। ये देखिए यहाँ से हम टेकिंग के लिए निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट 10 इंची पर। अब यहाँ से हम गला के नीचे से लेंगे 3 इंची पर, इसका चौड़ाई भी दे देंगे यहाँ से 3 इंची। अब यहाँ से नीचे ये देखिए यहाँ से भी इतना ले सकते हैं, यहाँ से 1/2 इंची कम कर दें 8.5 पर। ये देखिए नीचे 9 लिए हैं तो इसका 1/2 इंची कम करके लेंगे। अब इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम इसका निशान देखते हुए यहाँ से 2 इंची पर मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसके निशान से 2 इंची, यहाँ से भी ऐसे करके 2 इंची, यहाँ से भी ऐसे करके 2 इंची। बस ये टेकिंग का निशान लग चुका है, बस इसी पर हमें डार्क करना होगा। चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसा करके टेकिंग लग गया है। अब हम इसी पर इसको कटिंग कर देंगे। आगे से खुला बनेगा, इधर हम कच पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे। आपको सिलने का होगा तो आप सिलाई का भी वीडियो देख सकते हैं। जब हम बटन लगाते हैं ब्लाउज में तो हम रखते हैं दाहिना साइड बटन पट्टी और बायां साइड काज पट्टी, तो ऐसा करके बनाएं। अगर हम हुक वाला बनाएंगे तो इसी को हम उल्टा करके बनाएंगे। ये देखिए ये टेकिंग का हमने ऊपर वाला लगा दिया है, तो इसको हम इस पर ऐसे करके रख दिए हैं, हल्का हल्का हो गया है तो ये दोनों तरफ हम डार्क कर दिए हैं। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये कपड़ा इसमें से निकला है तो इसका चौड़ाई थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो हम यहाँ से जोर लगा दिए हैं, ये दोनों तरफ जोर लगाए हैं ताकि दोनों बाजू में। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से हमने जोड़ दिया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये 36 इंची सीना का ब्लाउज है तो ये 8 इंची 8.5 इंची होना चाहिए। तो ये देखिए ये 8.5 इंची है तो ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम 8 इंची होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये देखिए 8.5 इंची है तो यहाँ पर लेंगे और 1 इंची हम यहाँ पर, ये तुरपाई भी बोल सकते हैं या इसको फोल्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, नीचे का बनेगा यहाँ से ऐसे लगा देंगे। अब हम बाजू का लंबाई देखेंगे। तो बाजू का लंबाई हम यहाँ पर 5 इंची ले बनाएंगे तो हम यहाँ से 5.5 इंची पर निशान लगाएंगे। 5.5 इंची पर निशान लगाएंगे तो ये 5 इंची पर तैयार होगा। अब यहाँ से भी 5.5 इंची। अब यहाँ से नॉर्मल हम 3 इंची पर कम करते हैं, इसमें भी 3 इंची पर कम करेंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके गोलाई देंगे। अब आपका बाजू जितना गोलाई आ रहा होगा बाजू का उतना ले, तो इसमें 6.5 है तो मैं यहाँ पर 6.5 इंची पर निशान लगाऊंगी। ब्लाउज का फिटिंग आप देख लेंगे उसके बाद बाजू का कितना आ रहा है उतना ले। तो ये देखिए इसमें हम 8 इंची पर ले रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग का हुआ, जब आप स्टिचिंग करेंगे तो जितना आएगा उतना निशान देखकर लगा सकते हैं।
अब हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे, तो एक इंची भी ले सकते हैं, डेढ़ इंची भी ले सकते हैं। तो ये हमने डेढ़ इंची के अनुसार निशान लगा दिया है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। ये देखिए ऐसा बाजू बनाएंगे तो आपका बाजू बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए इसमें हम आधा इंची कटिंग कर देंगे। ये बीच का सेंटर है तो यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे, और ये कटा हुआ है जो आगे पल्ले में आएगा तो उसके लिए हम यहाँ पर निशान लगा दिए, ताकि ये सिलते वक्त पता चल जाए तो कोई दिक्कत ना होगी। ये देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय।